नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर को देखते हैं। जिला अस्पताल के हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। मीडिया लगातार लोगों को बता रही है कि सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन छतरपुर जिले के जिला अस्पताल में पीड़ितों के आंसू नहीं थम रहे हैं। इस खबर को हमने कल दिखाया था और तमाम समाचार पत्रों ने आज सुबह इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन सुबह सुबह ही अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंच गए। वे रात को ही भोपाल से लौटे और सुबह उन्होंने अखबार पढ़ा और तमाम मीडिया की खबरों के बाद वे अस्पताल पहुंचे और यहां पर उन्होंने पहुंचकर देखा कि वाकई हालात बहुत चिंताजनक हैं। विधायक के निरीक्षण के दौरान भी सुबह 10-10:30 बजे तक सिविल सर्जन आरपी पांडे के साथ लगभग 12 डॉक्टर नदारत मिले। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित ओपीडी यानी कि रोजाना मरीजों को देखने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होता है। यानी नियम के मुताबिक डॉक्टरों को सुबह 8 बजे अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। जिले भर से हजारों लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन विधायक के निरीक्षण के दौरान भी पाया गया कि लगभग 1 दर्जन डॉक्टर और खुद सिविल सर्जन आरपी पांडे जो कि नौगांव में रहते हैं वो खुद 10:30 बजे तक अस्पताल नहीं पहुंचे थे। इस बात पर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जमकर नाराजगी जताई है। सिविल सर्जन के ना पहुंचने के बाद उन्होंने आरएमओ आरपी गुप्ता को मौके पर बुलाया और सीएमएचओ डॉक्टर वीएस वाजपेयी को मौके पर बुलाया और उन्हें ताकीद किया कि अब हालात सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इस दौरान मरीजों ने भी कई शिकायतें विधायक को सुनाई और बताया कि यहाँ पैसों के लेन देन की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। इस पर भी विधायक ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह के मामले सामने आएंगे तो डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखिए तस्वीरें, सीधे जो निरीक्षण किया है विधायक ने उसके दौरान जो रियल तस्वीरें सामने आई हैं पहले उनको देखिए। आपके यहाँ ये पार्किंग की ठेका भी चलता है, गुंडागिर्दी होती है। सुनिए सुनिए, गुंडागिर्दी होती है और ये क्या व्यवस्था है पार्किंग की? पैसे वसूले जाते हैं, हमारे सामने बुलवाइए। क्यों चल रहा है ये सब तरीका? पैसे का लेन देन जो करेगा वो अस्पताल में नहीं रहेगा, ये सुन लीजिए साफ साफ शब्दों में। बुलाते हैं, बात करते हैं, सुन लो आप। तुमने दए के नहीं दे जो नदियाँ तो टाकी ना लगे जी खड़ी 500 टाकी आरएमओ साहब सुनिए, वाजपेयी जी आरएमओ साहब 3 बार सुनो, रुक जाओ। मैंने जितनी बार मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। अरे डर किस बात का है बताने के लिए भाई? बताओ ना सच्चाई क्या है, समस्या क्या है? 10:30 तक यहाँ नहीं आएंगे, कब आएंगे वो? क्या बात है, कौन है ये कह रही है? 500 रुपए लिए आपने? 500 रुपये काय बात के लाए आपने? काय बात के लाए आपने? एक पहला डॉक्टर लोग भाई भाई थोड़ी तो आज हम आए हैं, हमें जरा जेकन समझा दो, कहते को परेशानी का थोड़ी देर का मुखाओ। आपने हमें जो मौका दिया है आपको सेवा करनी है और मुझे सेवा करनी है और सबका सहयोग चाहिए। व्यवस्था बदलनी है, ये व्यवस्था नहीं चलेगी जो चल रही है। इतने लोग खड़े हैं, हम बैठ भी अभी आप लोगों के लगे देखो, अगर देखो तो कर लेते हैं। एक डॉक्टर नहीं, हम देख रहे हैं आज, देखा तो अब आज हुए सुनाई, आज हुए, आज सुनाई हुए जब ये भी हम जब तुम उनकी सुन लेंगे, नहीं तो देखिए बैठे अस्पताल में जी डॉक्टर साहब हमें सुने, आज सबका बुला लो। देखो नहीं तो आज आज यही कराया, अब दम खा जा डॉक्टर,
हम अस्पताल से जवाई जे भी या सब की सुनाई दूंगे। डॉक्टर हैं कि यहाँ पर सब आए हैं? यहाँ पर कोई भी नहीं है, दीपाए चले हैं सुबह से। तीन दिन ज्यादा जनाब रहे मैं इसको देखने वाला है। और अब सुनिए, विधायक आलोक चतुर्वेदी ने विधायक बनने के बाद जो पहला निरीक्षण जिला अस्पताल का किया है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है। जिला अस्पताल में यहाँ की व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी लेने के लिए आया था। काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं हैं, और साथ ही आज के भास्कर और पत्रिका अखबार और अन्य अखबारों में मैंने पढ़ा कि कल एक अमानवीय घटना यहाँ हुई जो दर्दनाक है और ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। अस्पताल में देखा आमजन परेशान है, डॉक्टरों के साथ चर्चा की, चर्चा में ये निर्णय हुआ है कि हम लोग सब लोग 1 बजे पूरे डॉक्टर्स के साथ स्टाफ के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और एक बार सबसे ये कहना रहेगा कि आप हमारा सहयोग करें, आमजन की मदद करें, ये चेतावनी भी साथ में देंगे कि दूसरी बार कार्रवाई होगी। हमें यहाँ की साफ़ सफाई से लेके आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। और मैं आप अपने मीडिया के साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मानवीय कार्य में आपका सहयोग भी आमजन के साथ रहे। ये मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी आमजन की मदद करने के लिए आगे आएं और मेरे तक वो बात पहुंचाने का प्रयास करें जिससे कि हम आमजन को मदद कर सकें। जनादेश कांग्रेस को मिला है और व्यवस्थाओं बदलने का जनादेश मिला है, थोड़ा समय लगेगा, ये विश्वास मुझे है। और ये विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ कि आपको आने वाले समय में वो परिवर्तन मिलेगा, समय पर डॉक्टर मिलेंगे, पैसे के लेन देन में यहाँ बंद किया जाएगा, और अगर ऐसा पाया जाएगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।